नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा मेल कांस्टेबल 4/2020 का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है 31 को, उसके पेपर के कुछ रिव्यू बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे ये पेपर हार्ड था कि ईजी था। उसके साथ साथ जो आप लोगों का कल का एग्जाम होने वाला है 1 नवंबर और 2 नवंबर को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे कि क्या होने वाला है। साथ साथ आज का जो पेपर है उसका भी आप लोगों को PDF और साथ साथ उसका वीडियो सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को आज शाम तक वीडियो बना के मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पेपर के ऊपर रिव्यू थोड़ा सा करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक मिली है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हरियाणा, ध्यान से समझ लीजिए, हरियाणा GK का सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन सिर्फ आया था। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा GK से सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन ही जो है वो आया हुआ है। जहाँ जहाँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो आए थे हमारे मैथ से, ठीक है, हमारे आए थे वो रीजनिंग से, और हमारे आए थे साइंस से, जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि जो इजी और हार्ड, देखिए GK में 2 क्वेश्चन आए थे तो वो थोड़े इजी थे, पर लेकिन 2 क्वेश्चन आए थे ये थोड़ा सा डिफिकल्टी वाली बात है। मैथ्स एंड साइंस ये दोनों थे वो हार्ड आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन जो थे हार्ड थे, और रीजनिंग लिटिल बिट आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लिटिल बिट ईजी, ठीक है। तो लिटिल बिट ईजी जो था वो हमारा आपका क्या रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हुए थे। तो अब जो कल की बातें हैं कि फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, आप लोग इसको समझ लीजिए कि जब 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं या 3 दिन पेपर होते हैं तो तीनों के पैटर्न में लगभग इक्वलिटी मेंटेन की जाती है। तो इक्वलिटी मेंटेन करने का मतलब यह है कि हरियाणा GK से अब जो है वो चांसेस हो गया कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना पूछे जाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछे जाएंगे तो उन बच्चों के साथ अनफेयर होगा जिन्होंने आज के दिन एग्ज़ाम दिया है। तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड वालों के दिन आप लोगों का GK का जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कम होने वाले हैं, मैथ्स और साइंस पे आप लोगों का ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो आज शाम को आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट वीडियो बनाया जाएगा, जैसे ही PDF हमारे पास आता है उसका वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।